व्हाट एन एपिक परफॉर्मेंस बाय ईशा मालविया. आई थिंक उनके प्रोजेक्ट जो है ना ईशा मालविया का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है. वेलकम टू माय चैनल. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो. हम बात करेंगे ईशा मालविया के सॉन्ग पाव की जूती की. 1 आवर पहले ये सॉन्ग जो है रिलीज हुआ है. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सॉन्ग देखा तो ऐसे गूज बम्स आ जाता है. एक्चुअली में गूज बम्स आ गए बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है सॉन्ग के थ्रू. इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि दैट यू नो लाइक आपको देख के आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं. आपको एकदम आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं. ईशा मालविया की परफॉर्मेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस लड़की ने दी है भाई कि कोई भी, चाहे ईशा को पसंद करता है नहीं करता है, वो ईशा को सराहे बगैर, अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता. बिकॉज बिकॉज सॉन्ग बहुत बहुत जबरदस्त है. लिरिक्स, क्या लिरिक्स है. आखिर में ईशा ने बोला कि हम सांप के साथ सोते थे. एंड द वे दे हैव यू नो लाइक डिलीवर्ड द मैसेज, के जिस तरह से औरतों के साथ होता है, जिस तरह से रूरल एरियाज में इंटीरियर साइड पे जिस तरह से औरतों को जिसे ट्रीट किया जाता है, नॉट ओनली यू नो लाइक सिर्फ इन जगहों पर होता है, मेन सिटीज में भी औरतों के साथ जिस तरह का बिहेवियर होता है, जिस तरह से औरतों को ट्रीट किया जाता है, लड़कियों को शादी करके ले जाया जाता है और फिर पांव की जूती बना दिया जाता है. अब वहां पे डायरेक्टर ने दिखाया किस तरह से उन चीजों से गुजरती है और उसके बाद वो अपना रिवेंज लेती है. उसके बाद वो इस घिसी पिटी रस्मों रिवाजों को तोड़ के, इस टॉक्सिक रिलेशन को तोड़ के इसमें से निकल जाती है. एंड 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 जितने बात बोली जाए, जितने वर्ड्स बोले जाए ईशा मालवे की अप्रिसिएशन में, वो कम है. बिकॉज यू नो वॉट, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया है. इस 1 घंटे मैंने बहुत बार सॉन्ग सुना एंड मैं देखते हुए भी आपके आंखों में आंसू आ रहे थे. इमोशंस का भाई दरिया था सॉन्ग. एंड यू नो लाइक ईशा मालविया को कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज बिकॉज अगर यार आप देखो कि एक्टिंग क्या टॉप नॉच एक्टिंग की है बंदी ने, क्या लग रही है, गॉर्जियस लग रही है. क्या उस लड़की ने जैसे कहते हैं पावर पैक्ड इम्प्रेशन दिया है, एक इम्प्रेशन छोड़ा है अपना. तो ईशा मालविया तो भाई बहुत ही जबरदस्त जा रही है जब से बिग बॉस से बाहर आई है. एंड दिस सॉन्ग वॉज अमेजिंग. तो इस सॉन्ग को आप जरूर देखो. अभी तक इस पे जो है वो 15K व्यूज आई है, 13K 15K व्यूज हो चुके हैं. बट ये सॉन्ग जो है ना वो आई थिंक के अब तक का, अब तक के मैंने जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के सॉन्ग देखे हैं, मुझे अब तक का आई विल बी ऑनेस्ट बहुत बहुत पसंद आया सॉन्ग. बिकॉज इसमें जो मैसेज दिया गया है ना, जो लड़कियों के लिए मैसेज दिया गया है कि किस तरह से लड़कियों को यूज किया जाता है, किस तरह से उनको दबाया जाता है, किस तरह से वो जिसे कहते हैं ना एक आदमी के पैरों की जूती बन के रह जाती है, लेकिन फिर किस तरह से वो उसमें से निकलती है, लेकिन बहुत सारी निकल नहीं भी पाती है, बहुत सारी वो जिंदगी अपनी गुजार देती है. एंड आई थिंक इस तरह के सॉन्ग जो सोसाइटी में एक चेंज लेकर आए, सोसाइटी में एक मैसेज दे, तो आई थिंक इस सॉन्ग को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है. बिकॉज इसने सोसाइटी का एक ऐसे टॉपिक को उठाया है जो कि यू नो लाइक ये एक रियालिटी है. तो वेल डन ईशा मालविया, वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. And you nailed it, and you have impressed. I think everyone, or your hater, or your you know like जो आपको पसंद करते हैं, I think she did a great job, fantastic. आपका इस बारे में क्या कहना है, कि आपने देखा है पाव की जूती? नहीं तो यार देखो जरूर. Thank you so much. Bye bye.